हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी की इडली। फ्रेंड्स, मैंने सूजी ले लिया है, अब इसमें मैं दही डाल दिया है। अब थोड़ा हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, इसे हमारी गुटलियाँ ना पड़े, अच्छे से मेरा बैटर बन जाए। फ्रेंड्स, हम थोड़ा नमक डालेंगे, हमने खाने वाला सोडा डाल दिया है। फ्रेंड्स, मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं 5 मिनट के लिए रख दूंगी। फ्रेंड्स, स्टीमर में मैंने पानी डाल के और नींबुआ डाल दिया है कि मेरा बर्तन काला ना हो। फ्रेंड्स, मैंने तेल लगा दिया है, अब बैटर को मैंने डाल दिया है। देखिए फ्रेंड्स, हम डाल देते हैं। ढाक देते हैं फ्रेंड्स। मैं देखिए खोलती हूँ करके, देखते हैं कि मेरा इडली हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, हो गया है। मैंने कढ़ाई में सिम डाल दिया है और भून लेते हैं फ्रेंड्स सिम को अच्छे तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, मेरा सिम भून गया है, मैंने जार लिया है, अब हम सिम को डाल देते हैं। अदरक डाला है, मोटा वाला मिर्चा लिया है, ये भी हमने लिया है फ्रेंड्स, हरा मिर्चा भी ले लिया है, लाल मिर्चा भी ले लिया है। फ्रेंड्स, मैंने लहसुन लिया है, कड़ी पत्ता लिया है और थोड़ा सा धनिया लिया है। स्वाद के अनुसार मैंने नमक डाला है। फ्रेंड्स, पानी डाल के अब इसका मैं पेस्ट बना लेती हूँ चटनी का मिक्सचर में। फ्रेंड्स, देखिए मैंने चटनी बना दिया है सिंग का। फ्रेंड्स, मैंने राई का तेल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है, हींग डाल दिया है और मैंने राई लिया है, एक लाल मिर्चा डाल दिया है। और फ्रेंड्स, कड़ी पत्ता डाल दिया है, थोड़ा सा हम भून लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मेरी राई लाल हो गई है, अभी चटनी डाल देते हैं और थोड़ा सा हम भूनेंगे। फ्रेंड्स, हम पानी डाल देंगे। मेरी सूजी की इडली बनके तैयार हो गई है, आपको ज़रूर पसंद आएगा फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने चटनी भी बनाया है, कितना अच्छा बना है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।